हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। हर जगह के नाम के पीछे कुछ न कुछ कहानी जरूर होती है जिसकी बहुत सी कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक जगह है काला अम्ब, कहा जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। उस जगह का नाम एक ऐसे आम के पेड़ के कारण पड़ा जिसके काटने पर खून निकला था। पानीपत की जमीन पर तीन युद्ध लड़े गए थे जो सन 1526, सन 1556 और सन 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और मुगलों के बीच लड़ा गया था। मराठों की तरह सदाशिव राव भाव और मुगलों और अहमद शाह अब्बादी ने नेतृत्व किया था। पानीपत की लड़ाइयों के बारे में सबने सुना ही होगा, लेकिन इससे जुड़ी एक खास बात आपने नहीं सुनी होगी। क्या आपने सुना है उस पेड़ के बारे में जिसे काटने पर उसमें से खून निकला है? नहीं सुना है तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इस युद्ध को भारत में मराठा साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्बादी की जीत हुई थी। काला अम्ब के साथ एक अनोखा तथ्य है, कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान इस जगह पर एक काफी बड़ा आम का पेड़ हुआ करता था। लड़ाई के बाद सैनिक इसके पीछे आराम किया करते थे। कहा जाता है कि भीषण युद्ध के कारण रक्तपात से इस जगह की मिट्टी लाल हो गई थी जिसका असर इस आम के पेड़ पर पड़ा था। कहा जाता है कि भीषण युद्ध के कारण इस रक्तपात की इस जगह की मिट्टी लाल हो गई थी जिसका असर इस आम के पेड़ पर भी पड़ा। रक्त के कारण आम के पेड़ का रंग लाल हो गया। तभी से इस जगह को काला अम्ब यानी काला आम के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के तकरीबन 70,000 मराठा सैनिकों की मौत हो गई थी। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इस पेड़ पर लगे आमों को काटने पर उनमें से जो रस निकलता था लाल होता था। कई वर्षों के बाद इस पेड़ के सूखने पर इसे कवि पंडित सुगन चंद्र रईस ने खरीद लिया। सुगन चंद्र ने इस पेड़ की लकड़ी से खूबसूरत दरवाजे को बनवाया। इस दरवाजा पर पानीपत म्यूजियम में रखा किया था। अब इस तरह पर एक स्मारक बनाया गया है जिसे काला आम कहा जाता है। आम का यह पेड़ काला हो गया है इसलिए इसे काला आम कहा जाता है।